सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लासिक फ़िश फ्राई लेकर आई हूँ, जो बहुत ही यम्मी और थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनी है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट दरकार हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फ़िश लेंगे। फ़िश ये है गीसर फिश है और ये है तकरीबन 1.5 किलो। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें, क्वान्टिटी में बाद में आपको बताती जाऊँगी। बेसन है, हल्दी है, लाल पीसी मिर्च है, लाल कुटी मिर्च है, कुटा धनिया है, कुटा वजीरा है, गरम मसाला है। इसके अलावा ये 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया था जो मैंने पीस के रख लिया है। लहसुन का पेस्ट है, नमक है, लेमन जूस है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। उसके इंग्रेडिएंट्स में इमली का पल्प है, काला नमक है, 1 पीस गुड़ का है, ज़ीरा है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है। इसकी तरकीब मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले हमने इसमें 1 कप बेसन ले लिया। उसके बाद हम फिश में क्या करेंगे, जब तक ये जो फ़िश हमारे पास रखी हुई है इसमें हम लेमन जूस डालकर छोड़ देंगे, मैरिनेशन तैयार करते जाएंगे। हमने 1 कप बेसन ले लिया। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जिससे इसका बैटर जो है, ये जो कोटिंग होगी बड़ी क्रिस्पी बनेगी। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। इसके अलावा कुटा धनिया है, ये 1 टीस्पून से लेकर 2 टीस्पून अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कुटी मिर्च 2 टीस्पून, पिसी मिर्च 2 टीस्पून, 1 टीस्पून के करीब हल्दी, पिसा ज़ीरा जो है 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, तमाम चीज़ें 1 टीस्पून जाएंगे। इसके अलावा ये जो हमने इसके रखा था मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट, ये पूरा का पूरा चलेगा। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे जिससे इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऑयल और फिर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून पहले पानी डालेंगे, फिर हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, उसके बाद हम बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए मैरिनेशन को हम पेस्ट बनाते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बनाते हैं और जिस तरह फिर हमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी हम उसमें पानी डालते जाएंगे। पानी उतना डालते जाएंगे जितना हमें के इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए मैरिनेशन करने के लिए। बहुत यमी ये टेस्टी बनती है फिश, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ ताकि मेरी नई नई रेसिपीज आपको मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें। मेरे बच्चों को ये वाली फ़िश बहुत पसंद है और शौक से खाते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसकी ये बिल्कुल हमारी जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी उस कंसिस्टेंसी पे ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने फ़िश के पीसेस को मैरिनेट करेंगे। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक चेक कर लेंगे कि इसका नमक सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, बल्कि थोड़ा सा तेज़ी पे है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं। फिश में हमने लेमन जूस पहले से मिला दिया था, अब हम इसको एक एक करके मैरिनेट करते जाएंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से रच बस जाए। इसे मैं इसकी चटनी भी बता देती हूँ आपको। ये मैंने कुटी मिर्च, ज़ीरा, गुड़, थोड़ा सा काला नमक और हरी मिर्चें ली और इमली का पल्प। इसको हम मिक्स कर देंगे ब्लेंडर में और मज़ेदार सी चटनी फ़िश, क्लासिकल फ़िश फ्राई के साथ तैयार हो जाएगी। ये मैंने पैन में जितना मुझे चाहिए फ्राई करने के लिए ऑयल ये मैंने ले लिया है। फ़िश मैरिनेट हुए तकरीबन पूरा 1 घंटा हो गया। अब मैं एक एक पीस डालकर इसको फ़िश को फ्राई करना शुरू कर दूँ। ज़्यादा क्राउडेड नहीं करेंगे, जितने पीस आराम से आ जाएंगे हम उतने पीस को फ्राई कर लेंगे।
मैं एक वेज में तकरीबन पाँच से छः पीस मैंने डाल दिए और अब उनको पहले फ्राई करेंगे। अभी हम इस पर चम्मच बिल्कुल नहीं लगाएंगे वरना कोटिंग हट जाएगी। तकरीबन एक से दो मिनट पहले एक साइड को फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। तकरीबन एक से दो मिनट हो गए हैं और ये मीडियम आंच में फ्राई हो रही है ताकि अच्छे तरीके से एक साइड हो जाए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक पीस को टर्न करना शुरू करूँगी। बहुत एहतियात से कि मछली टूटे भी ना और हमारा एक एक पीस जो है वो अच्छे से टर्न हो जाए। बहुत मज़े की ये फ़िश बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगेगी। वैसे तो फ़िश बनाने के कई स्टाइल हैं, बहुत सारे लोगों के आपने देखे भी होंगे, लेकिन इस स्टाइल से आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं सिखाऊं, मैं पहले सिखाती भी थी और कुकिंग क्लासेस भी लेती थी। अपने बच्चों की बहुत फरमाइश पर मैंने ये अपना चैनल बनाया है और कि अम्मी आप इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं, सब आपसे रेसिपी पूछते हैं, तो क्यों ना आप भी अपना एक चैनल बनाएं और क्या नाम है आप बना के डालें। तो मैंने कोशिश की है, देखें कहाँ तक कामयाब होती हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी इसे पूरी करूँ। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में आज मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूँगी। कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वान्टिटी वगैरह, तो मैं ये साथ साथ आपको बताती रहूँगी। ये फ़िश अभी फ्राई हो रही है, अब से एक दो मिनट और लगेंगे इसको, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तकरीबन दो से तीन मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब हम एक एक करके पीस निकालना शुरू करते हैं और इस तरह हम ऑयल को वो करते रहेंगे ताकि थोड़ा ऑयल ज़्यादा ऑयल इसमें डिश में ना आए। तकरीबन तमाम फ़िश मैंने निकाल ली, अब मैं आपको एक टिप देती हूँ। जैसे कि फ़िश का बैटर बच जाता है तो आप इसमें, ये मैंने कुछ दो तीन आलू ले लिए, इनको हल्का मैंने ब्लांच कर लिया गर्म पानी में डालकर, दो से तीन मिनट डालकर मैंने इसको निकाल लिया है। और देखिए इसी कोटिंग में आप इसको करके कोट कर दें आलूओं को, डिप, और उसको भी फ्राई कर दें। इनको भी आप फ़िश के साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़े के लगते हैं। बल्कि सम टाइम तो बच्चे फ़िश से ज़्यादा इसको शौक से खाते हैं, और मैं इसको फ़िश के साथ करूँगी। देखिए हमारी क्लासिक फ़िश फ्राई तैयार हो गई है। ये जो मैंने पोटैटो वेजेस तले थे वो भी साथ में रख दिए हैं, इसको बड़ा अच्छे से गार्निश कर दिया। चटनी की रेसिपी मैंने आपको शुरू में बता दी वो भी, और अभी आप चाहें तो आखिर में हल्का सा ये चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दें, बहुत मज़े का लगेगा। और ये हमारी मज़ेदार सी फ़िश, क्लासिक फ़िश तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये फ़िश बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।